महाराज जी, हमारे गोविंद दास जी 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में हुए और इनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। श्री गिरिराज जी मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाते हैं। सब जगह 12 एक बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे वृंदावन में। ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं वृंदावन में, तो बंचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का, वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव दो समय में हो सकता है, या तो 12:30 एक बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। तो गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रुको, एक लीला सुनाएं फिर गाएंगे आगे का पद। वो देखने में कौन है, बोले कि मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास के तो माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गुसाई जी वापस आ जाते। और गुसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गुसाई जी में जाके लग जाता। गुसाई जी कहते, हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंद दास बोले, मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल गो, ये आपके लाला ने मारो मोए, आपको लाला उधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दो सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत उधम मचावे ये। ऐसी लीला करते गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। बोले, गोविंदा तू कितनो भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास से बोले, ए गोविंदा। बोले, हाँ। मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है। आप लोग दाल बाटी जानते हैं? महाराष्ट्र में खाते हैं दाल बाटी, राजस्थान की बढ़िया, राजस्थान हमारे ब्रज में खूब खाते हैं दाल बाटी चूरमा, जो खाए सो सूरमा। तो दाल बाटी चूरमा, ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले, 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है, अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है, इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है, मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले, ना रसोई की ना खानी। तो बोले, तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले, मां आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगो। गोविंद दास जी बोले, यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ? बोले, कोई को पता थोड़ी चलेगी मैं आ जाऊंगो, तू चिंता मत करे, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहां आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंद दास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं, किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं ये। गोविंद दास जी दौड़ करके गए बढ़िया कंडा में, बढ़िया उपले उपले लगा करके, और महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी, एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग, तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो।
दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी, पर रोज प्रार्थना करता था नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चींटी बना देना, तो चींटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए, गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला, उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत, ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए, उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीली नीली नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपनों एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लगे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसे कछु ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आ जा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया, भगवान बोले देख काई को रो भैया, जल्दी कर मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए, बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है, मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले अरे जे हाथ से ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा, बोले अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकार, तब निकलेगा ये। आहा कितनी कृपा की ठाकुर जी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा, उसने कांटा निकाला मुख से,
ठाकुर जी बोले अब चल मोह से चलो ना जा रो, गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मोह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मोह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी कड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी के, ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे, आप एक काम करो अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ा रही हो, तेरे काज दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को, कितनी बड़ी कृपा। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ हाँ विराजो, सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में गए और ला और जल्दी ला जल्दी ला, भूख लग रही है मुको। गोविंद दास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना है तू जाने ना है मंदिर में मेरे भूखे से लगे, थाली में दो रोटी और ये सब्जी इनते मेरे भूख पेट थोड़ी भरे, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दे, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाए तो जाऊंगो। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके, इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाए और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाए। वो संग आयो वाक्य काज लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाए भरते जाए खाते जाए भरते जाए। गोविंद दास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानू कि आपकी खुराक बहुत है पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रहा है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुक ना है, कोई पेट है कि समुद्र है कुआ है कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक्स्ट देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक्स्ट सुस्ता लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भए महाराज सोई उनकी पीताम्बरी फैल गई, पीताम्बरी फैली। गोविंदास बोले जय जय ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही लेकिन ये इतनो चौड़ो कैसे है गो? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, ये कोने में कैसे निकल रहा है, ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी ने ना ना कछु ना कछु नहीं 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 दिखाओ आप तो। महाराज गोविंद दास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल रही आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला कौन के काजे, कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंद दास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र रह गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी कहे अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कहमत दियो कि मैं या के संग आयो या के संग खेलू। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजे बाटी ले चलू। गोविंद दास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि पवित्रता अपरस्ता सबके इतने नियम बना दिए और खुद क्या कर रहे हो हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंद दास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लियो, ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंद दास बोलते 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 पीछे के गए
और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले, दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी ते कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंददास बोले, मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हम मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छी लेना, अप्रस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए, आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो। ऐसे गोविंद दास नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताते हैं, आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जो प्रेम प्रेम को प्रधान बताता, जिसके श्रवण और कथन के पश्चात ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, ऐसा विषय सुनाओ, रचना करो, समाधि लगाओ। समाधि में बड़ी ताकत है। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बोले मैं एक दासी पुत्र था, हमारी माता जी घर घर में जाती थी और कुछ कार्य करती थी। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। मेरी माता जी उन संतों की सेवा में मुझको भी लेके जाती थी, छोटा सा बालक में जाता था। अब संतों के चातुर्मास में सेवा करके मेरी इतनी रति हो गई कि उन संतों के संग रहना ही मुझको सुख लगने लगा। 4 महीने बाद जब संत वहां से जाने लगे तो मैंने संतों के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि मुझे भी संग ले चलो। तब संतों ने कहा, बोले मां से आज्ञा लो, माता पिता आज्ञा करें तो ही आप चलना। मां से पूछने गए तो मां ने मना कर दिया, बोले कि मैं बुढ़ापे की स्थिति में हूं, इकलौता मेरा यही पुत्र है, इसको भी संत के रूप में भेज दूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। संतों ने नारद जी महाराज से कहा, बोले देखो अभी मां आपकी वयोवृद्ध है, अब एक काम करो, जब तक मां विराजमान है तब तक इनकी सेवा को ही भक्ति मानो, इनकी सेवा को ही भक्ति का स्वरूप दे दो। बंधुओं, कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं परिवार के प्रति, अपने संसार अपने परिवार के कुछ लोगों के प्रति, कि वो हमको भक्ति नहीं करने देते, और वो ऐसा संबंध है कि उसका त्याग भी नहीं कर सकते, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे अन्य किसी भाव का हो, क्या करें। उसका निर्वहन कुछ समय तक करना चाहिए, प्रयास करो कि आपके भाव को वो स्वीकार कर लें, लेकिन किसी समय पर यदि स्थिति ये पहुंच जाए कि अब स्वीकार हो ही नहीं रहा है, अब वो किसी भी रूप में आपको भगवत भाव से विमुख ही कर रहे हैं, तब गोस्वामी जी की ये पंक्ति जो उन्होंने मीराबाई को लिख करके दी है, जाके ही न राम वही देही, तजिय ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना भी स्नेही क्यों ना हो, जिसके हृदय में राम और श्री जानकी जी नहीं है, श्री कृष्ण और श्री हमारी किशोरी जी का वास नहीं है, जिसके चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तजिय ताही कोटि वैर सम, उसको अपने बैरी के समान त्याग कर दो, यद्यपि परम स्नेही, चाहे परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले प्रयास करो कि आपका भाव स्वीकार हो जाए, ना हो अनेक प्रयास करने के बाद तब यह विधि अपनानी है। नारद जी महाराज को संतों ने कहा कि आप पहले तो अपनी मां की सेवा करो, जब मां धरा धाम से चली जाए तब तुम भजन के मार्ग पर जाना। संतों ने नारद जी महाराज को एक श्लोक बता दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरषणाय च, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी की दर्शन का सबसे श्रेष्ठ उपाय इस मंत्र में विद्यमान है। नारद जी महाराज को संतों ने ये मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि अब प्रतीक्षा करो, जब तक माँ है तब तक सेवा को ही भक्ति मानो। नारद जी महाराज खूब अपनी माँ की सेवा करते थे। एक दिन आया, उनकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत रोया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, इतना रोया व्यास जी, पर मेरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं में अंतर था,
एक नेत्र से ठंडे आंसू आए, दूसरे नेत्र से गर्म। पीड़ा में जब व्यक्ति रुदन करता है तब आंसुओं का जल गर्म होता है, लेकिन जब आनंद में रुदन करता है तब उसके अश्रु जल जो होते हैं वो शीतल होते हैं। पीड़ा में जब रुदन करता है व्यक्ति तब इच्छा होती है कि कोई आकर के संभाले, कोई आकर के रोके, कोई आकर के मुझको देखे। पर जब आनंद में रुदन होता है तब इच्छा होती है कि कोई रोके ना, ये रुदन चलने दो, मुझे रोने दो, बस भाव में ठाकुर जी के में। और एक बात कहें आपको, पीड़ा में रुदन सदा संसार के लिए ही होता है, ठाकुर जी के लिए यदि पीड़ा का भी रुदन है ना तो पीड़ा का रुदन भी प्रेम वश का ही होता है, प्रेम से भरा हुआ ही होता है, वो आनंद प्रदायक होता है। नारद जी बोले मां चली गई थी इसलिए पीड़ा में था, अब ठाकुर जी से मिलन के लिए आगे बढ़ूंगा इसलिए प्रसन्न भी था, इसलिए दोनों प्रकार के आंसू आए। मां का संस्कार करके मैं वन में जाकर के मैंने इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का खूब जप किया। जप करते 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 एक दिन ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप का एक क्षण के लिए मुझको दर्शन हुआ, और एक क्षण का दर्शन होते ही वो दर्शन अंतर ध्यान हो गया। नारद जी महाराज आर्तनाद से पुकारने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए, आप एक क्षण के लिए आए फिर चले क्यों गए। तब ठाकुर जी आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, अविपक्व कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां सकृत् यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ। हे नारद जी, अभी आपकी भक्ति परिपक्व नहीं है, परिपक्वता ना होने के कारण मेरा एक क्षण का दर्शन हुआ है, पर मैंने दर्शन एक क्षण का देकर के आपको ये बात पुष्ट कर दी है कि मैं निश्चित जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक आप और परिपक्व करो अपने भजन को। बंधुओं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम साधक, कथा श्रवण करने वाला, भजन मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति को कभी भगवत अनुभव ना हुआ हो। आप पूरा विचार कीजिए, जब से आप नाम साधक हुए हैं, गुरु निष्ठ हुए हैं, कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, तब से लेके अब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत कृपा और भगवत अनुभूति आपको ना हुई हो। कभी ना कभी तो इस भगवत अनुभव का, अनुभूति का आपने आनंद सुख लिया ही होगा। और यदि किंचित भी एक बार भी किसी के चित्त में या किसी के मन में या किसी के भाव में ठाकुर जी के सुंदर भाव एक बार भी एक क्षण के लिए आए हैं, तो ये बात निश्चित है कि ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बना चुके हैं, बस आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और परिपक्व हो जाओ तब आऊंगा। एक बार भी किसी भी रूप में आपको ऐसा अनुभव हुआ है, ये तो ठाकुर जी की कृपा थी, ऐसा 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 भाव चित्त में आया है, रोंगटे खड़े हो गए हो, प्रेमाश्रु छलकने लगे हो नेत्रों से, ऐसी स्थिति एक बार भी यदि जीवन में कभी बनी है तो बस निश्चित मान लीजिए ठाकुर जी आपका नाम रजिस्टर कर चुके हैं मिलने में, बस अब आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और थोड़ा परिपक्व हो जाए और थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए, फिर आते मिलेंगे हम, फिर आके संग लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। वही यहां पर नारद जी के साथ में वही तो हुआ। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए दर्शन देके ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने एक क्षण का दर्शन इसलिए दिया कि मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भी तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी तुम परिपक्व नहीं हो और भजन करो। नारद जी बोले उसके बाद तो मैंने इतना भजन किया, इतनी साधना की कि साधना करते 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 पूरा जीवन मैंने ठाकुर जी के नाम जप में ही निकाल दिया, और बस इस प्रसन्नता में कि वो मिलेंगे, करते करते साधन, करते करते नाम जप, एक दिन मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब मेरे प्राण चले गए तो जब मैं पुनर्अवतरित हुआ तो व्यास जी पुनर जब मुझको रूप प्राप्त हुआ तो ठाकुर जी ने मुझे इतना प्रिय बना दिया, इतना समीप बुला लिया कि अब मैं नारद के रूप में देखा जाने लगा हूं। ये वही बालक है जो एक दासी का पुत्र था,
ये वही बालक है जो संतों के आगे पीछे घूमता था, यह वही बालक है जिसने अपनी माँ की अंतिम सेवा के पश्चात वन में जाकर के भजन किया, और यह वही बालक है जिसको एक क्षण के लिए ठाकुर जी दिखे थे, और ये वही बालक है आज नारद बन के 24 घंटे ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ मैं।